बंदा कुसे स्वयं को देखते चले जाना, किस्मत से अपनी सबको शिकायत क्यों है, जो नहीं मिल सका उसकी चाहत क्यों है। अंतस ध्यान का अर्थ है भीतर जाना। अब हम कोई शब्द नहीं बोलेंगे, अब कोई बाहर नहीं है, बस प्यास को जगाओ। अगर प्यास प्रगाढ़ हुई तो तुम ज्यादा देर बाहर नहीं भटक सकते। एक ना एक दिन समझ जगेगी, भीतर का दिया जलेगा, भीतर की आंख खुलेगी, नींद टूटेगी, तुम जागोगे और देखोगे कि परमात्मा तुम्हारी भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। केवल देखना, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। अपने होने में आइए आनंद और मस्ती के साथ। अपने माइंड को वॉच करना, माइंड से उठा हुआ हर विचार अथवा कार्य हमें बताता है कि हम खुद को क्या मानते हैं। सारे कार्य विचार से उत्पन्न होते हैं, हमारे विचार उसे ही प्रतिबिंबित करते हैं जो हम खुद को मानते हैं। सुबह से लेकर रात तक आने वाले सारे विचार हमें अपने होने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जब यह समझ गहरी होगी तो आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे। फिर यही समझ सत्य और मौन की अवस्था लाएगी। अनुभव लेना वर्तमान के ये पल, यही वो स्रोत है जहां से विचार उत्पन्न होते हैं। देखते रहना, यही विचार सत्य का आपके होने का प्रमाण दे रहे हैं। जिस तरह आवाजें कानों के होने का प्रमाण देती हैं, दृश्य आंखों के होने का प्रमाण देते हैं, गंध नाक के होने का प्रमाण देती है, उसी प्रकार ये विचार आपके होने का प्रमाण दे रहे हैं। ये विचार ये जानकारी देने हेतु निमित्त बन जाते हैं। मैं हूं, अभी हूं, जब आपके सारे विचार गहरी नींद में ओझल हो जाते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि आपका अस्तित्व है। जैसे ही आप अपने को जानना शुरू करते हैं कि विचार उत्पन्न होने लगते हैं। जब विचार सुबह जागते हैं तो वे सब खबर तुम्हें देते हैं कि आपका अस्तित्व है, आप चेतना में हैं। नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, कर्ता भोक्ता सब माइंड है। माइंड के टेलीविजन को जाके जाके देखना, कहीं खो नहीं जाना विचारों की भीड़ में। अपनी ओर जाग कर जान लेना
अपने अस्तित्व को। माइंड तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। माइंड इज ए मैटर, वो तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारी एनर्जी में ये खेल खेलता है, अपनी माया को फैलाता है, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झुलाता है, नेगेटिव पॉजिटिव जाने कितने खेल खेलता है। हर पल हर घड़ी इसकी माया का विस्तार होता है। तुम जागे जागे मुस्कान लेकर मन की माया को देखना। विचारों के साथ बहना नहीं है, बल्कि विचारों से अलगाव की कला सीखनी है। ये बुद्धि से हृदय की ओर एक लाइव जर्नी, अंतस की यात्रा, जिसे पूर्ण पूर्ण ध्यान कहा जाता है। और ये ध्यान तभी पूर्ण होता है जब सेल्फ का अवलोकन जागरूकता के साथ किया जाए। जब आप अपने ही भीतर मुड़कर अपने आप से पूछते हैं, ध्यान कौन कर रहा है, तब मन गिर जाता है। जब चेतना सो जाती है तब मन मालिक बन जाता है। मन तब अच्छा सेवक बनता है जब चेतना जाग जाती है। अपनी कॉन्शियसनेस में रहना, जागे रहना, आरामदेह मुद्रा में, पूरे शरीर को स्थिर रखते हुए अपने आसपास की सभी आवाजों को सुनना। जल्दबाजी ना करें, शांत चित होकर अपना ध्यान विभिन्न आवाजों पर केंद्रित करें। किसी खास आवाज में ना अटक जाएं, बस आवाज को पहचान लें और फिर अगली आवाज की ओर बढ़ जाएं। यदि घूमते हुए पंखे की आवाज सुनाई दे रही है तो उसे गौर से सुनने की कोशिश करें। जब कोई आवाज सुनाई ना दे रही हो तो मौन की आवाज सुनने की कोशिश करें, परम शांति को महसूस करें। अपने आसपास की हर प्रकार की आवाज को पहचानने की कोशिश करें। अलग अलग आवाजों को सुनने के बाद खुद से पूछें, क्या मैं ये आवाजें हूं? आपके भीतर से जवाब आएगा, मैं ये आवाजें नहीं हूं, मैं तो वह हूं जो इन आवाजों को जान रहा है। अब अपना ध्यान वातावरण पर केंद्रित करें, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। देखें कि ये गर्म है या ठंडा, सूखा है या नमी से भरा। शरीर हल्का महसूस हो रहा है या भारी, हवा तेज बह रही है या हल्की, हवा ताजी है या बासी। खुद से पूछें, क्या मैं ये वातावरण हूं? जवाब आएगा, नहीं, मैं ये वातावरण नहीं हूं, मैं तो वह हूं जो इस वातावरण और मौसम को जान रहा है। खुद से कहें, मुड़ो, टर्न हो जाओ, उसे जानो जो जान रहा है। धीरे धीरे शरीर के उन अंगों को महसूस करें जहां हल्कापन या भारीपन महसूस होता है। शरीर के भीतर और बाहर की सभी सूक्ष्म और स्थूल अनुभूतियों को देख लें। देखते चले जाना, यहां देखने का अर्थ है जानना। किसी भी चीज की कल्पना ना करें। शरीर में या शरीर के बाहर जो भी हो रहा है बस उसे महसूस करें, उसकी भावना को दूर ना भगाएं, उस भावना को अच्छी या बुरी ना समझें। जैसा भी है, जो भी है, सब महसूस करें। अपने से पूछें,
क्या ये अनुभूतियां मैं हूं? जवाब मिलेगा नहीं, मैं ये अनुभूतियां नहीं हूं, मैं तो इन सबको जानने वाला हूं। और फिर भीतर मुड़े और जानने वाले पर शिफ्ट हो जाए। अब अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। सांस कैसी चल रही है महसूस करें। श्वास भीतर जा रही है बाहर जा रही है, आप जागरूक हैं। खुद से पूछें, क्या मैं ये श्वास हूं? जवाब मिलेगा नहीं, मैं ये श्वास भी नहीं हूं, मैं तो केवल श्वास को जानने वाला हूं। अब इस जानने वाले को जाने। अपना ध्यान श्वास लेने और छोड़ने से हटाएं। उन विचारों को देखें जो भीतर उठ रहे हैं। एक विचार जानने के बाद अगले विचार को जाने जो उठ रहा है। पिछले विचार का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, बस एक विचार को देखें और कहें अगला। अगर कोई भी विचार नहीं आ रहा है तो इसे भी एक विचार ही समझें। जब आप लगातार विचारों को देखते जाएंगे तो विचारों का प्रवाह थोड़ा कम होगा। डिस्टेंस डेवलप होते ही आपको आनंद का अनुभव होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। कश्ती यूं ही चलेगी कब तक, उल्टी गंगा बहेगी कब तक, खोए हुए को फिर से पाना मुमकिन है आसान नहीं। सदियों से ये रस्म है जारी, जुर्म है दुनिया में दिलदारी, ऐसी दुनिया से टकराना मुमकिन है आसान नहीं। दीवाने दिल को समझाना मुमकिन है आसान नहीं।